राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हों या फिर सोनिया गांधी, कांग्रेस पर असली कब्जा अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे उन नेताओं का है जो कभी चुनाव नहीं लड़ते और न ही उन्हें पार्टी से कोई लेना देना है, उन्हें अपनी दुकानदारी से मतलब। राज्यसभा कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने दिख गया। कैसे? देश के मूड के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने हंगामा किया। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस में एक राय कभी नहीं थी, इसके लिए पार्टी ने कोई बैठक भी नहीं बुलाई, लेकिन अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की लाइन अपनी मर्जी से तय कर दी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सदन में दो फाड़ हो गई। अब राहुल गांधी का जवाब सुनिए। बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा कि अब तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई मीटिंग नहीं बुला सकता। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर अहमद पटेल के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है और पार्टी के कई बड़े नेता इस हालात को बदलना चाहते हैं। अगर वे कामयाब नहीं हुए तो पार्टी से अलग होने में वक्त नहीं बिताएंगे। सूत्र बताते हैं चीफ व्हिप पद से इस्तीफा देने वाले भुवनेश्वर कालित बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कई और दूसरे सांसद भी पार्टी छोड़ने के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।